डाक विधानसभा कांग्रेस महासचिव शंभू सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों ने भवानी मंडी SDM को ज्ञापन सौंपा। बताया कि बिजली को लेकर ग्रामीणों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही, शहर में तो पर्याप्त तो बिजली दी जा रही पर ग्रामीण क्षेत्रों में रात रात भर लाइटें काटकर ग्रामीण जनता को परेशान किया जा रहा। विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी तानाशाहीपूर्ण रवैया रहता है। वहीं अगर 4 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो SDM कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। सर इसलिए आए हैं कि लाइट के बारे में बहुत परेशान हो गए। हमारे क्षेत्र में लाइट विद्युत विभाग काटी जा रही है और इतनी लाइट काट रहे हैं, मतलब 2-3 घंटा लाइट काटी जा रही है। और अधिकारी से बात करते हो तो अधिकारी बोलते हैं कि हम क्या करें, सरकार से बात करूं। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव का करावन में जोरदार स्वागत हुआ। भवानी मंडी से जिला संयुक्त सचिव SC विंग अनिल कुमार पंकज ने बताया कि जिला अध्यक्ष व झालावाड़ 12 लोकसभा सचिव श्याम सिंह सोलंकी, जिला सचिव महावीर गौर व जिला संयुक्त सचिव जसमीत सिंह आरिफ खान ने डक विधानसभा का दौरा किया। जिला अध्यक्ष द्वारा पूरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया। रोजाना गांव व करावन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी में कार्य करने की शपथ ली। डग व करावन में जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नारायण सिंह, लियाकत पटेल ब्लॉक अध्यक्ष, शौकत अली खान, बालू सिंह सोलंकी, परस राम नागर, गोविंद नागर, पप्पू सिंह, विनोद व्यास, मथुरा लाल, गोविंद सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी पुलिस ने मोबाइल चोरी में कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को पकड़कर सफलता हासिल की। आपको बता दें कि बीते कल भवानी मंडी के जयपुरिया मिल निवासी अनवर हुसैन पुत्र चांद मोहम्मद की रिपोर्ट पर उसके बेटे दिलशान व पड़ोसी शांतनु के मोबाइल चोरी का मामला दर्ज किया था। पूछताछ के दौरान संदिग्ध व्यक्ति बबलू निवासी जुल्मी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चोरी किए 3 मोबाइल जब्त कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मोबाइल संबंधितों को लौटा दिए गए हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी श्रावण मास में बिस्तुनिया पंचायत के ठिकरिया गांव में क्यासरा महादेव चौथी पैदल कांवड़ यात्रा बड़े हर्षोल्लास व DJ की धूमधाम के साथ निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। यात्रा समाप्त होने के बाद सभी को भोजन प्रसादी करवाई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन लिए गए। प्रवक्ता अच्तारेली ने बताया कि डक विधानसभा पर्यवेक्षक आनंदीलाल के आतिथ्य और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित कर विधानसभा चुनाव में इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन लिए, जिसमें विधानसभा से भवानी मंडी ब्लॉक से कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें प्रभुलाल मेहर, मदनलाल वर्मा, स्नेहलता आर्य, चेतराज गहलोत, वीणा मेहरा, देवकीनंदन वर्मा, दिलीप कुमार मेहरा, धर्मराज मेहरा, राम कुमार बेरवा, मांगीबाई नाथूलाल बेरवा, श्याम सुंदर डोरिया, रामचंद्र वर्मा, हेमंत बेरवा ने अपने आवेदन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार को सौंपे। इस मौके पर गुराड़िया माना के धीरप सिंह, गोविंद सिंह, दुर्गेश कुमार ने जिला उपाध्यक्ष नारायण सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारत विकास परिषद रानी लक्ष्मीबाई शाखा के द्वारा संस्कृति सप्ताह का समापन बालिकाओं को गोद लेकर व गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर किया। शाखा मुख्य संरक्षिका सारिका मित्तल ने बताया कि कच्ची बस्ती विकास के लिए रानी लक्ष्मीबाई शाखा ने केशवपुरा बस्ती गोद ले रखी है। गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए 7 महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें पौष्टिक आयरन व कैल्शियम युक्त भोजन सामग्री किट के रूप में भेंट किए। उन महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी पौष्टिक भोजन सामग्री शाखा परिवार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। शाखा द्वारा अभी तक 40 बालिकाओं को शिक्षार्थ गोद लिया जा चुका है। कोटा से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गरोड़ में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा मंगलम रिसोर्ट में प्रेस वार्ता रखी। बताया कि प्रशासन का दबाव दिखाई दे रहा है। उनके द्वारा तिरंगे को लेकर 15 अगस्त के दिन अध्यक्ष के घर पर, गरोट नगर परिषद अध्यक्ष घर पर तिरंगा झंडा उल्टा लगाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करते हुए प्रशासनिक रूप से उन पर दबाव बनाया जा रहा। दबाव के चलते गरोट विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाक्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो
चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आए अंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आए अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रुकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।